दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के ऊपर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, आईफोन 12 के सीरीज के बारे में। एप्पल का इवेंट खत्म हो चुका है और ये ना सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबली लॉन्च हो चुका है। इस वीडियो में हम जानेंगे आईफोन के प्राइस के बारे में, फीचर्स के बारे में और क्या क्या चीजें हमें नई मिलती है इस आईफोन सीरीज में, वो भी जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस मैं एवरीडे आपके लिए लाती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एप्पल ने अपने फोन्स में इस बार 5G की टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है। 5G की टेक्नोलॉजी है दोस्तों, सबसे पहले हमें देखने के लिए मिली है एप्पल के फोन्स में। हालांकि इतनी जल्दी हम 5G का इस्तेमाल इंडिया में नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया में 5G वाला नेटवर्क वाला फोन जो है वो आ चुका है। ये जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, वो इसमें दी मोस्ट 5G बैंड्स ऑफ एनी स्मार्टफोन है। इसका मतलब ये है कि ये फोन लेके किसी और कंट्री में अगर आप जाएंगे तो आपको कोई ऐसा बैंड नहीं मिलेगा जो आपके आईफोन पर सपोर्ट ना करे। अब हम बात करते हैं iPhone 12 mini और iPhone 12 6.1 inches non pro वाले मोबाइल के बारे में। दोनों ही iPhones इस रेंज में सबसे सस्ते iPhones हैं। इसमें आपको 5 कलर्स मिलेंगे, जहां पे ब्लैक, व्हाइट, प्रोडक्ट रेड, ग्रीन और ब्लू है। इन दोनों ही iPhones का जो डिजाइन है दोस्तों, काफी एलिगेंट है और आपको फ्लैट एल्यूमिनियम के साइड्स देखने को मिलते हैं। बैक साइड में आपको 2 कैमरा और फ्लैश देखने को मिलता है। आईफोन मिनी का जो साइज है दोस्तों, 5.4 इंच है। ये छोटा जरूर है, मगर इसका जो डिस्प्ले है वो बड़ा है, क्योंकि ये बेजल लेस डिजाइन के साथ आता है। और अब हम बात करेंगे आईफोन 12 नॉन प्रो के बारे में, जिसका डिस्प्ले है वो 6.1 इंच का है। इसका फ्रंट ग्लास सिरेमिक शील्ड से बनाया गया है, जो काफी ड्यूरेबल और सॉफ्ट मटेरियल का है, और नॉर्मल ग्लास से ये 4 गुना ज्यादा ड्यूरेबल है। डिस्प्ले में इस बार काफी इंप्रूवमेंट की गई है। HDR डिस्प्ले, आपको काफी सारी चीजें इसमें देखने के लिए मिलेंगी, और इस बार ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट भी इम्प्रूव किया गया है। इसमें A14 बायोनिक चिपसेट यूज किया गया है दोस्तों, जो 50% बेहतर बताया जा रहा है किसी भी और प्रोसेसर से। और इनके डब्बे में आपको कोई भी चार्जर या हैंड्स फ्री देखने के लिए नहीं मिलेगा। कैमरा की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो आपको मिल जाता है इसमें 12 मेगापिक्सल के कैमरे, और दोनों में ही आपको मिलते हैं ये सेम अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, और एक वाइड एंगल लेंस मिलता है। दोनों ही 12 मेगापिक्सल के हैं। 1.6 अपर्चर मिलता है आपको, इसके कारण आपको बेहतर लो लाइट परफॉर्मेंस मिलता है। इसके अंदर 7 एलिमेंट्स लेंस का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण आपकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये दोस्तों कि इस एप्पल फोन सीरीज के सभी लेंसेज में आपको नाइट मोड का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। स्टोरेज अगर हम बात करें तो 12 मिनी और 12 नॉन प्रो के अंदर आपको 64GB, 128GB, 256GB के स्टोरेज मिलते हैं। अब बात करते हैं iPhone 12 mini और iPhone 12 non pro के प्राइसिंग के बारे में। और इंडिया में iPhone 12 mini की जो प्राइसिंग अगर मैं बात करूँ, तो 64GB के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 69,900 रुपीज, 128GB के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 74,900 रुपीज, और 256GB के लिए आपको पे करने पड़ सकते हैं 84,900 रुपीज। और iPhone 12 non pro की प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ, तो 64GB के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 79,900 रुपीज, 128GB के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 84,900 रुपीज, और 256GB के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 94,900 रुपीज। इसके बाद हम बात करेंगे iPhone 12 Pro सीरीज के बारे में। Pro सीरीज में आपको मिल जाते हैं 2 ऑप्शंस, एक iPhone 12 Pro और iPhone 12 Pro Max। दोनों के साइड्स जो है वो दोस्तों स्टेनलेस स्टील के हैं। इनका डिजाइन बहुत ही अट्रैक्टिव है। प्रो सीरीज में आपको 4 कलर के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ब्लू, गोल्ड, सिल्वर और ब्लैक। यहाँ पे आईफोन प्रो जो है दोस्तों, वो 6.1 इंचेस के डिस्प्ले के साथ आता है, और आईफोन 12 प्रो मैक्स जो है वो 6.7 इंचेस के डिस्प्ले के साथ आता है। ये OLED डिस्प्ले के साथ आते हैं। तो चिपसेट और 5G वगैरह के फीचर्स के बारे में हमने बात की, वो सिमिलर फीचर्स आपको इसमें भी देखने के लिए मिलते हैं, तो फिर से हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फीचर की, जो है इसके कैमरास। आपको प्रो और प्रो मैक्स में 4 कैमरा दिए गए हैं। पीछे साइड में आपको 3 कैमरा, फ्रंट में आपको 1 कैमरा मिलता है। पीछे के कैमरास 12 मेगापिक्सल के हैं, और उसके साथ आपको देखने के लिए मिलता है लाइडर स्कैनर। आपको यहाँ पे सभी कैमरास में डीप फ्यूजन टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलती है, जो बेहतर क्वालिटी के फोटोज निकालने में आपकी मदद करती है।
प्रो में जो टेलीफोटो लेंस है दोस्तों वो 4 times ऑप्टिकल जूम के साथ आता है और आईफोन 12 प्रो मैक्स में आपको 5 times ऑप्टिकल जूम मिलता है। दोस्तों यहाँ पे प्रो मैक्स का जो कैमरा है वो एप्पल आईफोन प्रो के मुकाबले 47% ज्यादा साइज में है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये भी दोस्तों, दोनों ही प्रो मॉडल्स में आपको देखने के लिए मिलते हैं एप्पल का प्रो रॉ फॉर्मेट, जहाँ पे आप रॉ फॉर्मेट टाइप के फोटोज ले सकते हैं और खेल सकते हैं उन फोटोज के साथ में, अपनी फोटोज के साथ कलर चेंज कर सकते हैं जो कि आपके फोटो को काफी प्रोफेशनल लुक भी देगा। HDR वीडियो रिकॉर्डिंग आप इसमें कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे लाइटर स्कैनर क्या करेगा दोस्तों, लाइटर स्कैनर जो है बेसिकली AR सेंसिंग के लिए यूज किया जाता है, चाहे कितनी भी लो लाइट हो आपको इंस्टेंट फोकसिंग देखने को मिलेगी। प्राइसिंग की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो आईफोन 12 प्रो के लिए 128GB के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 119,900 रुपीज, 256GB के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 129,900 रुपीज और 512GB के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 1,49,900 रुपीज। और आईफोन 12 प्रो मैक्स उसकी प्राइसिंग अगर बात करूँ तो 128GB के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 1,29,900 रुपीज, 256GB के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 1,39,900 रुपीज और 512GB के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 1,59,900 रुपीज। साथ ही लॉन्च हुआ है नया स्मार्ट स्पीकर एप्पल की तरफ से जो की होम पैड मिनी। फोन आप पास में लेके जाओगे तो अपने आप ये डिटेक्ट कर लेता है। इसके ऊपर की तरफ आपको टच कंट्रोल्स दिए गए हैं, बहुत ही क्यूट एंड एलिगेंट डिजाइन है। इसकी प्राइसिंग अगर बात करो तो इसकी जो प्राइसिंग है मार्केट में आपको मिल जाएगी 9,900 रुपीज। एप्पल एक और चीज लाया है वो है मैगसेफ और मैगसेफ डियो। मैगसेफ के अंदर आप फोन को चार्ज कर सकते हैं, मैगसेफ डियो में आप आईफोन और एप्पल वॉच एक साथ चार्ज कर सकते हैं। आईफोन चार्जर पे चिपक जाएंगे और हिलते भी नहीं है। तो एप्पल फिर से एक बार बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लाया है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो यही थी आज की अपडेट्स दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो सारी नोटिफिकेशन मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।